पहली चीज तो इसमें कोनिक सेक्शन में ये आती है कि अगर आपके पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब ये एक कोनिक सेक्शन है, पहली बात डेल्टा जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। डेल्टा समझते हो ना, a h g h b f g f c, इसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसके बाद इसमें क्या होगा, अगर h स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 हो गई तो ये पैराबोला होगा, है ना, और अगर h स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो ये इलिप्स होगा, और अगर h स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई तो ये हाइपरबोला होगा। वैसे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक नहीं आए, बट इसी में एक एडिशनल केस इन्वॉल्व होगा इसके साथ, अगर a प्लस बी भी 0 हो गया, मतलब ये दोनों कंडीशन मिला के, तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाए। वैसे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से रिलेटेड जल्दी क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, तो बट कंडीशन आप लिख सकते हैं। पहला सेगमेंट जो क्वेश्चन का बनता है वो यही है कि भाई अगर एक इक्वेशन है और आपसे कह दिया वो पैराबोला है तो ये कंडीशन, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा और ये एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 होगा। अगर वो इलिप्स कह दे तो एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0, अगर हाइपरबोला है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन। इसके बाद दूसरा जो एक फिक्स पॉइंट आपको दिया होगा, दैट इज एस, इसको आप अल्फा बीटा कहते हैं, और एक फिक्स लाइन आपको दी होगी, दैट इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू, ये जो फिक्स पॉइंट होगा ये फोकस हो जाएगा और जो फिक्स लाइन होगी ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, और एक वेरिएबल पॉइंट पी का आप लोकस निकालेंगे जहां पर ये जो रेशियो होगा पॉइंट और लाइन से डिस्टेंस का वो कॉन्स्टेंट होगा। तो जो ये पी एस बाई पी एम होगा इसी को हम कांस्टेंट रेशियो ई बोलेंगे, ई को ही हम इसेंट्रिसिटी का नाम देंगे। तो जो इक्वेशन ऑफ कोनिक आएगी, इक्वेशन ऑफ जो कोनिक आएगी निकल के, वो आएगी पी एस का स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम का स्क्वायर, जहां पर एस जो है वो फिक्स पॉइंट होगा जिसे हम फोकस कहेंगे, है ना, और एल जो है वो फिक्स लाइन होगी जिसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। तो यहीं पे जो इसेंट्रिसिटी होगी अगर वो 1 के बराबर होगी तो पैराबोला हो जाएगा, अगर यही सेंट्रिसिटी 1 से कम होगी तो ये इलिप्स हो जाएगा, और अगर यही सेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर होगी तो ये हाइपरबोला। दूसरा सेगमेंट ये है कि आपको एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन दी होगी, तो आपको अगर कोनिक निकालना होगा तो आप उसको इस तरीके से यूज करेंगे। अब ई की वैल्यू के हिसाब से आप जज कर सकते हैं कि कब वो पैराबोला होगा, कब इलिप्स होगा, कब हाइपरबोला होगा, और उसके हिसाब से आप चीजें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि क्वेश्चन फ्रेम हो, आपसे कहा जाए x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है और कहा गया कि ये एक कोनिक है। ठीक है, अब अगर ये एक कोनिक है तो आपको बताना है कोनिक क्या है, पहली बात, दूसरा इसका फोकस क्या है और इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ये आपको फाइंड करना है। तो पहले तो ये कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला टाइप लिखा है और ये कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस टाइप फील दे रहा है, तो इसको हम पी एस और पी एम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब अगर ये पी एस और पी एम के फॉर्म में देखें तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये लिखा है एक्स प्लस वाई माइनस 3 बाई रूट, इसका स्क्वायर ये करके यहाँ पे 2 कर लो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है प्लस 1 है पी एस का स्क्वायर, हाँ भाई क्या कह रहे हो, वाई प्लस 1, अच्छा ये पी एस का स्क्वायर है और ये है ई स्क्वायर और ये कुछ पी एम का स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक एस फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज 1, -1, एक फिक्स लाइन आपको दे रखी है एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, और एक वेरिएबल पॉइंट पी दे रखा है, दैट इज एक्स कॉमा वाई।
जहां पे आप इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू जो है वो ले रहे हैं रूट टू। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ई किससे है, ग्रेटर देन वन है, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, हाइपरबोला है, जिसके लिए इसका एक फोकस जो है वो कितना है, वन कॉमा माइनस वन, और इसकी जो डायरेक्टिक्स है वो कितनी है, कितनी है, एक्स प्लस वाई माइनस थ्री। ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, सेंट्रिसिटी हमें मिल गई, डायरेक्टिक्स हमें मिल गई और सारी एनालिसिस से हमने होगा। तो कई बार इस टाइप की सिचुएशन आपके सामने आ जाती है जिसमें आप इक्वेशन को पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर के फॉर्म में देख सकते हैं, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। तो वो कंपेयर करके आपको फिर उसमें फोकस और डायरेक्टिक्स और इसेंट्रिसिटी को जज करना आना चाहिए। अब बाकी इतनी इंफॉर्मेशन से आगे हम और भी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे लेंथ का, अगर ये हाइपरबोला है तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, वो सब हम लेंथ इसमें डिस्कस कर सकते हैं इतनी इंफॉर्मेशन से। बट इस इक्वेशन को देखकर इतनी इंफॉर्मेशन जज की जा सकती है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये दूसरी टाइप, मतलब क्वेश्चन का टाइप हो गया कि आप उसे ऐसे जनरल क्वेश्चन भी एक आध बार फ्रेम करके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मतलब जनरल कोनिक की इंफॉर्मेशन इतनी है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में अब पहला सेगमेंट आता है पैराबोला। अच्छा, पैराबोला की जो इक्वेशन हमें अलग अलग टाइप इक्वेशन में पढ़नी होती है, उसमें स्टैंडर्ड अगर हम पैराबोला की बात करें तो उसमें आता है वाई स्क्वायर, मतलब चार तो स्टैंडर्ड पैराबोला आते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स आता है, फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स आता है, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई आता है, और फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई आता है। ये चार स्टैंडर्ड पैराबोला। अच्छा, अगर इसकी बात करें तो इसके लिए जो इसका फोकस होता है वो होता है ए कॉमा जीरो, और जो उसकी डायरेक्टिक्स होती है वो होती है एक्स इक्वल टू माइनस ए। अच्छा, इसका जो वर्टेक्स आता है वो होता है जीरो जीरो, है ना। इसके बाद इसकी जो लैटस रेक्टम आती है ना, इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम, वो आती है एक्स इक्वल टू ए। इसके बाद जो इसकी लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम आती है वो आती है फोर ए। इसके बाद इसमें एक चीज और, एंड पॉइंट भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, एंड पॉइंट ऑफ एल आर का भी इम्पोर्टेंस है, तो वो आता है ए कॉमा टू ए, और दूसरा एंड आता है ए कॉमा माइनस टू। और जो इसका पैरामीट्रिक पॉइंट होता है, इसका भी अपना एक इम्पोर्टेंस है, वो होता है ए टी स्क्वायर कॉमा टू। सही है। अच्छा, इस इक्वेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पैराबोला की ज्योमेट्री में कुछ चीजें समझा दूं। जैसे ये एक पैराबोला है, ठीक है, इस पॉइंट को, ये लाइन जो, सॉरी, इस पर एक पॉइंट होगा जिसे हम कहेंगे फोकस, ठीक है। ये एक फिक्स लाइन होगी जिसे आप नाम देंगे क्या, डायरेक्टिक्स। डायरेक्टिक्स के परपेंडिकुलर एक लाइन होगी जो फोकस से पास करेगी जिसे आप कहेंगे एक्सिस। अच्छा, इसके बाद एक लाइन होगी जो कि इसके इनसाइड होगी और फोकस से पास कर रही होगी और परपेंडिकुलर होगी एक्सिस के, या पैरेलल होगी डायरेक्टिक्स के, इसे आप नाम देंगे लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम, ठीक है। ये पॉइंट होगा वर्टेक्स जहां पर एक्सिस किसको कट कर रहा होगा, कोनिक। ये एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम होंगे, ठीक है। इसके बाद फोकस से किसी भी पॉइंट के, आप कोई पैरामीट्रिक पॉइंट इस पे लेंगे पी, उसकी फोकस से डिस्टेंस निकालेंगे, इसे हम कहेंगे फोकल डिस्टेंस। इसका भी यूज हो जाता है, किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस हुई, फोकल डिस्टेंस। अच्छा, इसके बाद कोई भी एक कॉर्ड जो फोकस से पास कराएंगे, कोई भी एक कॉर्ड जो कहाँ से पास कराएंगे, फोकस से, इस कॉर्ड को हम कहेंगे फोकल कॉर्ड। मतलब ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो क्वेश्चंस में यूज होती है, आपको उनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए, सही है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट, इस ज्योमेट्री में कुछ ज्योमेट्रिकल रिजल्ट भी हैं जो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, वो रिजल्ट भी अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, बट ये पैराबोला की रफ ज्योमेट्री है तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए।
ये फोकस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस होती है, फोकस से पास होने वाली कॉर्ड फोकल कॉर्ड होती है, और ये लैटस रेक्टम होता है ना, जो कि अच्छा ये जो लाइन, कोई भी लाइन जो उसके परपेंडिकुलर ऐसे खींचे, इसे हम डबल ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो ऐसी कोई लाइन अगर हम ये खींच दें तो इस लाइन को हम कहते हैं डबल ऑर्डिनेट, क्योंकि ऑर्डिनेट ट्वाइस करता है और इनसाइड द कोनिक होता है, और परपेंडिकुलर होता है किसके, एक्सिस के, और पैरेलल होता है किसके, उस लाइन को हम डबल ऑर्डिनेट कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी हो गई जो आपको पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पैराबोला की ज्योमेट्री। पैराबोला की ज्योमेट्री को देखकर आप ये सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर सकते हैं, और ये आपको पता होनी चाहिए एक्चुअली। अब अगर हम इसके हिसाब से चलें, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स के हिसाब से चलें, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स की ये ज्योमेट्री होगी, उसके हिसाब से ये सारे रिजल्ट होगा। अच्छा, जब आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं, यहाँ से आप यहाँ शिफ्ट करते हैं, तब ये रिजल्ट में एक आपको ये सारे रिजल्ट ही दिमाग में रखने हैं, बाकी सारे रिजल्ट आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चलेंगे। जब आप यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स आते हैं, तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ एक्स की जगह क्या हो गया, माइनस एक्स, तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो x वाले रिजल्ट को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये माइनस ए कॉमा जीरो हो जाएगा, x को माइनस एक्स से तो ये x प्लस ए आ जाएगा, वर्टेक्स तो जीरो, माइनस जीरो तो जीरो ही जाएगा, ये x इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। अच्छा, ये तो लेंथ है, लेंथ के हिसाब से ये लेंथ अभी भी फोर ए ही रहेगी, भाई लेंथ है तो लेंथ तो मॉडुलस के साथ ही आएगी ना। तो यहाँ पर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो माइनस ए कॉमा टू ए एंड माइनस ए कॉमा माइनस टू आ जाएगा, यहाँ पर भी x को माइनस से रिप्लेस करेंगे तो माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 280 पैरामेट्रिक पॉइंट। ये सारे रिजल्ट हो गए y स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स के लिए। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। इस ज्योमेट्री को थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, तो अब एक इसमें और एक छोटी सी चीज मैं बना देता हूँ साइमल्टेनियसली साथ में ही। अगर आप इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस हुआ, और ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। अगर इसको आप ज्योमेट्रिकली देखेंगे, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, x को माइनस x से रिप्लेस किया तो जो पहले प्लस x में आ रही थी वो सारी चीजें माइनस x में आई थी, ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स, ये दो चीजें। अच्छा, अब आओ थर्ड वाली सिचुएशन में। अगर आपको y स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स से x स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई में जाना है, तो एक चेंज आपको और ध्यान में रखना होगा, और वो चेंज होता है ये वाला, या आप यहां से अगर यहां जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं ना, x की जगह आप y कर दे रहे हैं, y की जगह आप x कर दे रहे हैं, इसका मतलब x और y के रिजल्ट आपने आपस में क्या कर देने, इंटरचेंज। चलो, x और y के जो रिजल्ट हैं उनको आप, यानी हर x वाले रिजल्ट को y में लिख देना है, हर x वाले रिजल्ट को कहाँ लिख देना है, y में, तो इंटरचेंज शुरू करो। तो जो फोकस है वो हो जाएगा जीरो कॉमा ए, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी y इक्वल टू माइनस ए, ये तो जीरो जीरो इंटरचेंज होगा तो जीरो जीरो रहेगा, लेटस रेक्टम y इक्वल टू ए, लेंथ में कोई चेंज नहीं होता, अभी सेम आएगा। ये वाले पॉइंट अब हो जाएंगे 2a कॉमा ए एंड माइनस 2a कॉमा ए, और ये वाला पैरामेट्रिक पॉइंट हो जाएगा 280 कॉमा 80 स्क्वायर, टी कोई भी रियल नंबर। इसके बाद यहाँ से जब आप यहाँ आएंगे तो ये तो आपको चेंज दिख ही रहा है कि आप क्या करेंगे, y को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस वाई, ये हो जाएगा 0 कॉमा माइनस ए, ये हो जाएगा y इक्वल टू ए, ये तो अभी 0 0 ही रहेगा वर्टेक्स। इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम y इक्वल टू माइनस ए, लेंथ में कोई चेंज नहीं, अभी फोर ए ही रहेगी, और ये हो जाएगा इस बार 2a कॉमा माइनस ए एंड माइनस 2a कॉमा माइनस ए, और ये वाला पॉइंट इस बार हो जाएगा 280 कॉमा माइनस 80, ये फर्क आता है। अगर आप इसकी ज्योमेट्री देखेंगे तो ये वाला होता है y स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, सॉरी x स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, ये होता है, और ये होता है x स्क्वायर इक्वल टू माइनस। मतलब मैंने सिर्फ उतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जेई मेन में आपको देखने को मिल जाए, एक्स्ट्रा मैंने कोई भी आपको आर्बिट इन्फॉर्मेशन और ये सब चीज़ें लिख के नहीं बताई। तो आपको जो बेसिक इसमें से अपने दिमाग में रिजल्ट रखना है वो सिर्फ इतना सा है, ये वाला आप ये दिमाग में रखेंगे तो बाकी पैराबोला का जो बाकी इक्वेशन के रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में चल रहे हैं। ओके, देख लीजिए कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। और ये पैरामेट्रिक पॉइंट है, उसके हिसाब से जो चेंज, अगर चेंज क्या है, अगर ये वाला से ये इक्वेशन आएगी तो अब ये काम करेंगे, ये इक्वेशन आएगी तो अब ये काम करेंगे, उसके हिसाब से आप सारे रिजल्ट समझेंगे। अच्छा, इसमें अगला जो सेक्शन इम्पॉर्टेंट आता है वो ये है कि अगर इसी इक्वेशन को हम मान लो, जैसे इक्वेशन आ गई वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर
इक्वल टू फोर ए एक्स माइनस अल्फा बन गया। तो आप इसी चीज को कहते हैं कैपिटल वाई और इसी चीज को आप कहते हैं कैपिटल एक्स, और इसके बाद आप कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स के टर्म में रिजल्ट निकाल के बाकी सारे रिजल्ट को आप इंटरचेंज कर देंगे। ये भी सिचुएशन है, सही है। अच्छा, ये वाली इक्वेशन का फॉर्मेशन आप कब कर पाएंगे? जब वाई में एक क्वाड्रेटिक बनेगी और एक्स सिंपल होगा, यानी आपकी जब इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब ये दो टर्मिनोलॉजी है कि नहीं। अब शॉर्टकट के हिसाब से अगर आप चलो तो दो इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी। पहला, अगर आपको ये दिया है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला, अगर आपको ये दिया है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और उसका वर्टेक्स जो है विद वर्टेक्स क्या है अल्फा कॉमा बीटा, और एक्सिस जो है वो किसके पैरेलल है एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक्सिस है और उसका वर्टेक्स जो है वो अल्फा कॉमा बीटा है। समझ रहे हो कि नहीं, मतलब ये सिचुएशन है कहीं। तो जो आपका पैराबोला बनेगा वो हमेशा आएगा वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हम उसका लैटिस रेक्टम लिखेंगे दैट इज फोर ए, और एक्स माइनस अल्फा, ये हमेशा इक्वेशन आएगी उस सिचुएशन में, समझ गए। या इसी इक्वेशन को आप एज्यूम कर सकते हैं कैसे, जब अगर एक्सिस किसके पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, तो आप इसी इक्वेशन को एज्यूम करना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्या, एक्स इज इक्व टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। बट ये सारा एजम्पन आप तब लगाएंगे जब सिचुएशन ऐसी आपको दी, मतलब ये एजम्पन इतने दिए होंगे तब। तो आप इन दोनों में से कोई भी चीज अज्यूम करके जितनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है उसके हिसाब से आप बाकी एनालिसिस कर सकते हैं, मेरी बात समझे। बट ये काम आप केवल तब लिख पाएंगे जब एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तब, समझ रहे हो। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इस पर एक दो बार क्वेश्चन बन गया है, सही है। अच्छा, इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि अगर अगर एक्स जो है वो लिखा है कहीं पे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में, तो जो उसका लैटस रेक्टम होता है, मतलब ये तो मैंने ज्यादा ही लिख दिया, चलो अभी वो एक्स्ट्रा में लिख देंगे, अभी तो ऐसे ही समझ। अच्छा, यहीं पर क्या हो कि अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है ना वो पैरेलल हो वाई एक्सिस के, तो अब तो फील आ गया होगा, मतलब ये वो इंफॉर्मेशन है जिस पर भी बेस क्वेश्चन बना है, और उसका वर्टेक्स जो वो अल्फा बीटा हो इस बार। अब जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ आप लैटिस रेक्टम लिखेंगे, और वाई माइनस बीटा। अब जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है आपका वर्टेक्स, सॉरी एक्सिस, और वर्टेक्स अभी भी अल्फा कॉमा बीटा ही ले लूँ तो कुछ ऐसी ज्योमेट्री बन रही होगी। या इसी इक्वेशन को अगर आप देखो तो आप लिख सकते हो वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, बट ये दोनों रिजल्ट आप तभी यूज कर पाएंगे जब एक्सिस आपकी y एक्सिस के पैरेलल होगी। और जैसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के हिसाब से होगी उसमें आप वो वाली इक्वेशन अज्यूम करके और अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब देखने वाली बात सिंपल सी इतनी है कि अगर मैं एक ये, मतलब ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है बट आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अगर आपने कहा कि आपकी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, टू सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, gx fy तो ज्यादा हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस by प्लस bx प्लस cy प्लस d इक्वल टू जीरो, ठीक है, और ये एक पैराबोला है, ऑब्वियसली एक पैराबोला ही, कि आप इसमें इसको y को इधर ले आके x में परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे तो इसकी जो एक्सिस आएगी वो किसके पैरेलल आएगी, y एक्सिस के, हाँ ये ना। तो ये जो पैराबोला होगा और उसका जो लैटिस रेक्टम होगा वो हमेशा ध्यान रखिएगा भाई, जब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, सी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस डी लिखेंगे, यहाँ से आप माइनस ए कॉमन करेंगे, इसको कुछ परफेक्ट स्क्वायर में बनाएंगे, यहाँ पे आप सी वाई लिखेंगे, समझ रहे हो, इसके बाद आप इससे डिवाइड करेंगे है ना, फिर ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ से आप सी वाई ए कॉमन करेंगे और सिंप्लीफाई करके आप पूरा आंसर लिखेंगे,
है कि नहीं? तो जो इसका लैटस रेक्टम होता है वो हमेशा आता है मॉड ऑफ सी बाई ए, ऑलवेज। मतलब जो वेरिएबल है जिस पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका कोफिशेंट, और जिस एक्स स्क्वायर कोफिशेंट है वो। अब सोचो यहीं पे अगर ये होता ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी जेड, सॉरी सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये भी एक पैराबोला होता जिसमें एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल होती इस बार। और अब इसका जो लैटस रेक्टम होता वो भी सेम लॉजिक से आता कि नहीं? अब इसका भी लैटस रेक्टम आप क्या करते हो, सी बाई मॉड, मॉड सी बाई, क्योंकि इसमें भी आप सेम लॉजिक लगाते वही परफेक्ट स्क्वायर उसी तरीके से चलते। ये लैटस रेक्टम का रिजल्ट आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा गया। बाकी इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के आप अपना बाकी काम तो कर ही सकते हैं, सही है ना? मतलब ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, मतलब ये एक ऐसी चीज है जो पैराबोला से रिलेटेड है, जो क्वेश्चन बन बात क्वेश्चन बन जाता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0, सपोज ये है, सही है? तब आप इसको लिखोगे y इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अच्छा y इक्वल टू माइनस 2 आप कॉमन करोगे तो x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 3 बाई 2 आएगा। तो आप इसको लिखोगे माइनस 2 यहाँ से कॉमन आएगा और यहाँ से आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 बाई 2। यानी आप इसको लिखोगे माइनस वाई बाई 2 प्लस का 5 बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 कॉमन करोगे और y माइनस 5। देखिए जरा, अब ये एक पैराबोला आ रहा है कि नहीं, देखो उसी फॉर्म। अच्छा इसकी लैटस रेक्टम देखो कितनी आ रही है, मॉड ऑफ माइनस हाफ, मतलब हाफ। डायरेक्ट अगर आप लैटस रेक्टम देखते तो भी तो 1 बाई 2 ही आती और एक्सिस पैरेलल आती, फोकस कितना आ गया, सॉरी वर्टेक्स कितना आ जाता, माइनस 1.5। बाकी तो रिजल्ट आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 ए वाई के हिसाब से सोच के लिख के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात, अब ये कैलकुलेशन नहीं करना था आपको, डायरेक्ट अगर लैटस रेक्टम देखना है तो 1 बाई 2 आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, और इसमें आपको डायरेक्ट लैटस रेक्टम या फोकस या वर्टेक्स यही सब चीजें पूछी भी जा सकती हैं, उसके अलावा ज्यादा चीजें इसमें नहीं पूछी जाती, ठीक है? तो ये इक्वेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक रिजल्ट हो गया। देन अब इसके बाद अगली जो सिचुएशन इसमें आती है वो ये आती है कि अगर मैं इसके कुछ पैराबोला के ज्योमेट्रिकल रिजल्ट में, तो अभी थोड़ी देर में आता हूँ मैं। अब अगर मैं पैरामेट्रिक पॉइंट की बात करूँ, तो पैरामेट्रिक पॉइंट आपने ले लिया, अब मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ, बाकी डिस्कशन आप इसी के हिसाब से कर लेंगे। तो इसका अगर मैं कोई पैरामेट्रिक पॉइंट लूँ तो हो जाता है 80² 280 किसी भी पॉइंट टी पे, मतलब टी बिलोंग्स टू आर। अच्छा इस पे जो है पहली चीज तो टेंजेंट आती है, इसमें टेंजेंट की इक्वेशन यूज होती है, दैट इज टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80². अच्छा दूसरा इस पे नॉर्मल यूज होता है एट टी पे, तो वो हो जाता है आपका टी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 280 प्लस 82। अच्छा टेंजेंट हो गया, नॉर्मल आपसे पूछ लिया जाता है टी पॉइंट पे जिसका। अच्छा इसके बाद अगर मैं T1 और T2 दो पॉइंट ले लूं, T1 एंड T2 आर टू पॉइंट, तो फिर मैं इस पे कॉर्ड पूछूंगा। वैसे कॉर्ड पे अभी डायरेक्ट तो क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, बट कॉर्ड जॉइनिंग पॉइंट्स भी आपसे क्वेश्चन में आ सकता है। तो जो कॉर्ड होती है T1 T2 को ज्वाइन करने वाली, उस पर दो चीजें होती है, पहला तो स्लोप ऑफ कॉर्ड होता है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। स्लोप ऑफ कॉर्ड जो होता है वो होता है 1/T1 + T2। अगर आप स्लोप ऑफ कॉर्ड देखेंगे ना, माइनस होता है क्या, नहीं 1/T1 + T2 होता है स्लोप ऑफ कॉर्ड, 1 नहीं 2 होता है सर, हाँ 2 कॉमन आता ना, तो 2/T1 + T2 होता है स्लोप ऑफ कॉर्ड, सही है ना भाई? सिंपल सी बात है ना, आप कॉर्ड डिस्कस कर रहे हैं, T1 और T2 को ज्वाइन करने वाली, ये T1 हो गया पॉइंट, ये T2 हो गया। इस पॉइंट को आप कह दो A T1² 2A T1, इस पॉइंट को आप कह दो A T2² 2A T2। तो याद रखने का तरीका बता देंगे, तो Y2 - Y1 करोगे तो 2A T1 - 2A T2 /
at1 स्क्वायर कॉमा at2 स्क्वायर, तो स्लोप जो है वो 2/t1 + t2 ही आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। अच्छा अगर इसको हम सॉल्व करें तो y − 2at1 = 2/t1 + t2 और x − at1 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रिजल्ट आ जाता है आपका y = 2/t1 + t2 × x और −2at1 2/t1 + t2 और +2at1, ठीक है। जब आप इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करोगे ना तो यहाँ पे 2at1 2 कैंसिल हो जाता और बचता है प्लस का 2at1 t2 / t1 + t2, तो 2at1 t2 / t1 + t2 ऐसा आता है। तो जो क्वाड की इक्वेशन आती है उसको आप याद रख सकते हैं। t1 t2 को ज्वाइन करने वाली क्वाड जो है वो ये आती है। अच्छा क्वाड का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस है फोकल क्वाड। तो अगर आप फोकल कॉर्ड डिस्कस करें तो वही बताएं जो कॉर्ड फोकस से पास होती है। तो फॉर फोकल कॉर्ड जो केस आता है, जैसे आप इसमें a कॉमा 0 सेटिस्फाई कराते हैं तो वहां से रिजल्ट निकल के आता है t1 × t2 = −1। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसलिए है, इसका यूज इसलिए कई बार हो जाता है कि अगर आप जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला की ले रहे हैं और ये कॉर्ड आपकी एक फोकल कॉर्ड है, तो अगर इस पैरामीटर को आप टी लेते हैं और ये फोकल कॉर्ड है तो ये पैरामीटर −1/t हो जाता है फॉर फोकल कॉर्ड। ये रिजल्ट आप किसी भी टाइप के पैराबोला के लिए यूज कर सकते हैं, वो आपकी अपनी सिचुएशन है। और ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि t1 × t2 कितना होता है −1। कॉर्ड का स्लोप इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, कॉर्ड ज्वाइनिंग t1 और t2, तो उसका जो स्लोप है वो 2/t1 + t2 होता है अगर स्टैंडर्ड पैराबोला चल रहा है तो, वो भी y²=4x। बट ये जो रिजल्ट है ना फॉर फोकल कॉर्ड t1 × t2 −1, ये t1 और t2 का वो रिजल्ट है जो फॉर एवरी स्टैंडर्ड पैराबोला वैलिड होता है। इस रिजल्ट की खासियत ये है ये फॉर एवरी स्टैंडर्ड पैराबोला वैलिड रिजल्ट, फॉर एवरी स्टैंडर्ड पैराबोला, वो किसी भी स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए वैलिड रिजल्ट है। आपको कैसा भी पैराबोला दिया हो अगर वो एक t1 मतलब दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड एक फोकल कॉर्ड है और आप इस एंड को t ले रहे हैं तो ये एंड हमेशा −1/t होगा पैरामीटर। अब अगर आपको t पैरामीटर पता है तो आप t पैरामीटर के हिसाब से पैरामीट्रिक पॉइंट तो लिख ही सकते हैं ना किसी भी टाइप के स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए, वो आप किसी भी टाइप के स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए लिख सकते हैं। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है फॉर फोकल कॉर्ड, ठीक है। सेम लॉजिक से आप टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, वही सेम लॉजिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल, है ना। अच्छा ये टेंजेंट एंड नॉर्मल लिखने का जो वे है वो वही है, मतलब वे कैसे मैंने ये लिखा है उसका लॉजिक वही है। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर आपके पास fx y = 0 एक कोनिक है, अब कोनिक बोलते ही इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला तीनों आते हैं, मतलब पैराबोला इलिप्स एंड हाइपरबोला ये तीनों के लिए सेम टाइप का रिजल्ट है और वैसे भी स्टैंडर्ड है तीनों आपके उसमें जेई मेन में। तो पहली चीज अगर मैं एट x1, y1 बोलूं, जहाँ पे हमें पता है कि x1, y1 जो है वो लाई कर रहा है कहाँ पे, ऑन कोनिक, यानी कि x1, y1 अगर आप कोनिक में रखो और वो रिजल्ट जीरो दे दे तो वो कोनिक पे ही लाई कर, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं टेंजेंट, तो टेंजेंट की इक्वेशन आपके पास डायरेक्ट है, आप t = 0 लिख देते हो, t का एक्सप्रेशन आप लिख लेते हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। अगर मैं यहीं पे आपसे पूछूं नॉर्मल, तो नॉर्मल की इक्वेशन होती है x − x1, अच्छा कोनिक में हमें सब कुछ पता ही होगा तो वो हो जाता है ax1 + h y1 + g, है ना। और y − y1 में आता है hx1 + by1 + ये होता है, मतलब ये वही सेम लॉजिक है टेंजेंट और नॉर्मल लिखने का। ये दोनों एकदम किसी भी टाइप के कोनिक के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट के तरह यूज होते हैं, समझ रहे हो।
यहाँ पर अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एफ एक्स वाई का एक्सप्रेशन आप यही यूज करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी, उसी के हिसाब से आपने ये पूरा रिजल्ट लिखा है। बट ये जो एक्स वन वाई वन पॉइंट है ये ऑन द कॉनिक होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। इसके बाद कॉनिक का जो अगला जो आप रिजल्ट कई बार यूज करेंगे वो ये है कि अगर आपने यहाँ पे सेम चीज कही कि एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो कोई भी कॉनिक है आपके पास, है ना, एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो कोई भी कॉनिक अगेन है आपके पास, तो अगर पैराबोला की मैं बात करूं तो आपने कहा कि f और x1 y1 एक पॉइंट है, x1 y1 एक गिवन पॉइंट है, कहाँ है हमें नहीं पता बट x1 y1 एक गिवन पॉइंट है। अच्छा, अगर वो पॉइंट आपने कॉनिक पे रखा, पैराबोला केस की बात करूँ, तो आपने f x1 y1 की वैल्यू निकाली, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई या ये वैल्यू नेगेटिव आई या ये वैल्यू जीरो आ गई, अगर पॉजिटिव आई तो पॉइंट इनसाइड होता है, अगर नेगेटिव आई, सॉरी उल्टा बोल गया, पॉजिटिव आई तो पॉइंट आउटसाइड होता है, ठीक है, अच्छा नेगेटिव आई तो पॉइंट इनसाइड होता है और जीरो आई तो पॉइंट ऑन द कॉनिक होता है। सेम अगर मैं इलिप्स की बात करूं, ठीक है, तो भी सेम लॉजिक होगा, मतलब आप एफ एक्स वन वाई वन की बात करेंगे तो पॉइंट इनसाइड आउटसाइड या कहीं भी होगा, तो पैराबोला और इसके लिए इलिप्स के लिए आप सेम लॉजिक लगाते हैं कि एफ एक्स वन वाई वन पे आप रखेंगे, समझ गए, तो अगर पॉजिटिव आया तो क्या होगा, नेगेटिव आया तो क्या होगा, बट जैसे आप हाइपरबोला में पहुंचे, ये इंपॉर्टेंट है और इसका यूज एक बार हो गया है, हो चुका है, मतलब अगर आप हाइपरबोला में पहुंचेंगे और फिर आप सेम काम करेंगे तो हाइपरबोला में रिजल्ट अपोजिट होगा, मतलब अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो पॉइंट इनसाइड होगा, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो पॉइंट आउटसाइड होगा, ठीक है, और अगर ये जीरो आ रहा है तो पॉइंट ऑन द कॉनिक होगा। अच्छा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप पैराबोला खींचते हैं ये रीजन इनसाइड होता है, ये रीजन आउटसाइड होता है, अगर आप इलिप्स खींचते हैं ये रीजन इनसाइड होता है, ये रीजन आउटसाइड होता है, जैसे आप हाइपरबोला खींचते हैं तो हाइपरबोला केस में ये रीजन क्या होता है, आउटसाइड होता है, समझ रहे, और ये रीजन इनसाइड होता है, उल्टा दिख रहा है ना आपको, बस इसी वजह से ऐसा होगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ध्यान में रखने वाला है, मतलब ये वो पार्ट है जो आपको थोड़ा सा मतलब अलग है, हाइपरबोला केस में बस आप ये ध्यान रख लो कि रिजल्ट जो है जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, तो वो जो ग्रेटर और लेस वाली चीज है वो जस्ट चेंज हो जाती है, बाकी सब में सेम लॉजिक से ही काम चल जाता है, बाकी सब में आपको एक्स्ट्रा में एफर्ट नहीं लेना पड़ता, बट यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी अलग आ जाती है जो कि आपको ध्यान देनी चाहिए, पैराबोला और हाइपरबोला से, पैराबोला और इलिप्स से हट के थोड़ी सी चीज है यहाँ पर, और इस पर कई बार हम फ्लो में एक ही टाइप का कैलकुलेशन ले जाते हैं तो गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं, वो आपको ध्यान देना है इस पर थोड़ा सा। बाकी टेंजेंट टी इक्वल टू जीरो से आप लिख सकते हैं और नॉर्मल आप इस इक्वेशन से लिख सकते हैं। अच्छा, तो टेंजेंट की बात करें, जैसे टी इक्वल टू जीरो की बात हम करें, वापस से पैराबोला पे आ जाते हैं, तो अगर हम वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स की बात करें, है ना, और अगर हम इसकी टेंजेंट लिखें वो भी कहाँ पर, x1 y1 पे, वो हो जाता है वाई वाई वन माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स वन इक्वल टू जीरो, भाई सेम लॉजिक t इक्वल टू जीरो लिखा है, सही है। और इसी पे अगर हम नॉर्मल लिखें एट x1 कॉमा y1 पे, अब देखो x माइनस एक्स वन अपॉन ए की वैल्यू तो जीरो है, h भी जीरो है, बट g है ना यहाँ पे, और इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी है यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे बुक में तो आपको रिजल्ट ऐसे ही लिखा मिलेगा, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वाई वन बाई टू ए एक्स माइनस एक्स वन, आपको ये रिजल्ट ऐसे ही लिखा मिलेगा, बट वो रिजल्ट लिखा वैसे ही है कंपेयर करके उसी तरीके से,
और ये स्टैंडर्ड है जो आप आराम से यूज करेंगे हर जगह जहां आपको जैसी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो ये है, इक्वेशन ऑफ एम स्लोप टेंजेंट। एम स्लोप टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पहले हम लिखते हैं सिर्फ फॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स के लिए जो ज्यादा यूज होता है, फिर आपको कन्वर्जन सिखा दूंगा मैं तो आप बाकियों के लिए कन्वर्ट कर लेंगे, बट जनरली अभी तक बाकियों के कन्वर्जन में इतना फोकस किया नहीं गया, बट हाँ स्टैंडर्ड है तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एम स्लोप के लिए आपको सीधा टेंजेंट की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, और नॉर्मल होता है नॉर्मल होता है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एम वाई होता है सर ना, y इक्वल टू एम एक्स है ना, और नॉर्मल की इक्वेशन शायद होती है x प्लस एम वाई या x इक्वल टू एम वाई माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब, कुछ ऐसा होता है, क्या कहते हो, या y इक्वल टू एम एक्स होता है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होता है, नॉर्मल की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम और माइनस ए एम क्यू होता है, देखो जरा, हाँ देखो भाई, जहां पर m जो है वो टेंजेंट का स्लोप होता है और यहाँ पर m जो है वो नॉर्मल का स्लोप, दिख रहा है कि नहीं सबको, ध्यान देना ये बात, और ये रिजल्ट आपके दिमाग में एकदम सेट होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है अगर आप ध्यान से देखोगे तो हो जाता है ए एम स्क्वायर कॉमा माइनस टू नहीं नहीं ए बाई एम स्क्वायर कॉमा ए बाई एम स्क्वायर कॉमा टू ए बाई एम होता है, और यहाँ पर अगर आप फुट ऑफ नॉर्मल देखोगे मतलब इसका यूज हुआ है एक बार तो मैं बता रहा हूँ वो हो जाता है ए एम स्क्वायर कॉमा माइनस टू ए एम। एम स्लोप के लिए सिर्फ हमने बात की। अच्छा, ये रिजल्ट y स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स के लिए है जो आपके दिमाग में एकदम सेट होने चाहिए, है ना, वो टी पॉइंट वाले रिजल्ट है वो सेट होने चाहिए। अब देखो उसके हिसाब से ये सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और फुट ऑफ नॉर्मल का कन्वर्जन, इससे ज्यादा चीजें आती नहीं है अभी जो जनरली पूछी भी नहीं गई है और ज्यादा आती भी नहीं। अब मैं आपको एक टेबल में वो सारा कन्वर्जन एक रो में सिखा देता हूँ, मैं आपको एक टाइप की चीज बता देता हूँ तो आपको कन्वर्जन करने की हैबिट आपके पास आ जाएगी। जैसे y स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स की बात आप करें और आप एक पैरामेट्रिक पॉइंट एटी स्क्वायर कॉमा टू एटी लें तो इस पर आप टेंजेंट भी लिख सकते हैं, दैट इज टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर। अच्छा, इस पर आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं, नॉर्मल आप क्या लिखते हैं, टी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू एटी प्लस एटी। अब ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर स्लोप की बात करूँ तो स्लोप जो है वो वन बाई टी आता है, इसका मतलब मैं t को क्या लिख सकता हूँ, वन बाई एम। जैसे ही मैं t को वन बाई एम लिखूंगा तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, y बाई एम इक्वल टू एक्स प्लस ए बाई एम स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ठीक है, आता है m स्लोप नॉर्मल, दिखा, बस t को वन बाई एम रखना। अच्छा, यहाँ पे आओ, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप देखूं तो मैं देखूंगा माइनस का t, अरे हाँ है ना, इसका मतलब अगर मुझे नॉर्मल लिखना है तो मैं टी को किससे रिप्लेस कर दूं, माइनस एम से। जैसे आप टी को माइनस एम से रिप्लेस करेंगे तो जो नॉर्मल की इक्वेशन आप लिखने वाले हैं वो बन जाएगी वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यू। यही एक इम्पोर्टेंट खेल है पूरे उसमें। अब अगर यहाँ पे आप पैरामेट्रिक पॉइंट देखो तो भाई पैरामेट्रिक पॉइंट तो एटी स्क्वायर कॉमा टू एटी है, यहाँ पर आप t को जैसे रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा, t की जगह 1 बाई एम रख दो, ए बाई एम स्क्वायर कॉमा टू ए बाई एम आ जाएगा, और यहाँ पर भी जैसे आप रिप्लेस करोगे तो वही p पॉइंट आपको क्या मिल जाएगा, ए एम स्क्वायर बाई t की जगह माइनस एम रख दो और माइनस टू एम मिल जाएगा। ये है पूरा चेंज फॉर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स के लिए, ठीक है, क्या एम स्लोप टेंजेंट, टी पे टेंजेंट, ये पैरामेट्रिक पॉइंट पे टेंजेंट थी, ये पैरामेट्रिक पॉइंट पे नॉर्मल था,
और इसी की हेल्प से आपने वो दोनों रिजल्ट एम स्लोप वाले रिजल्ट अपने दिमाग में सेट कर लिया। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई बताओ। अब अगर इसी टेबल को आप कनेक्ट करो, इसी टेबल को आप कनेक्ट करो वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू फोर एक्स के लिए, अगर आप देखो वाई पैरामेट्रिक पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर होता है। अच्छा, जैसे आप वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स करते हैं तो आपके दिमाग में था ना कि आप x की जगह माइनस एक्स रख देते हैं, तो रख दो, चेंज उतना ही है। जैसे आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई करते हैं तो आपके दिमाग में था ना x और y इंटरचेंज करते हैं, कर दो। और जैसे आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई करते हैं तो आपकी जगह पता ना y को माइनस वाई कर दो, कर दो। एकदम आंख मूंद के ये काम कर दो, आपको मतलब सोचना ही नहीं है, मतलब इस काम को करने के लिए आपको सोचना ही नहीं है और सीधा ये काम करते चले जाओ। ये हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं, समझ गए कि नहीं? ये हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? टेंजेंट की, वो भी किस पे? पैरामेट्रिक पॉइंट पे। टेंजेंट एट पी, पी पॉइंट आप पैरामीटर के हिसाब से निकाल सकते हो। मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग कि नहीं? अच्छा, यहीं पे अगर मैं टेंजेंट ऑफ स्लोप एम लिखना चाहूं तो ये रिजल्ट आपको याद नहीं रखना है। आपको ये रिजल्ट पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होता है। अब बाकी रिजल्ट आप उसी हिसाब से कन्वर्ट करते चले जाओ, मतलब ये रिजल्ट ऐसा है जो आपको याद नहीं रखने हैं कि m स्लोप की टेंजेंट सबके लिए क्या होती है ना। कन्वर्जन का वे आपने याद कर लिया है क्या कि भाई हमें t की जगह 1 बाई एम लिख देना है, ठीक है? यहाँ पे हमें t की जगह क्या लिख देना है? माइनस 1 बाई एम लिख देना है। जैसे हम t की जगह माइनस 1 बाई एम लिखेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा? माइनस 1 बाई एम माइनस प्लस ए, है नहीं, एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही रिजल्ट क्या आ जाएगा? वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स, बोलो भाई, नहीं, माइनस एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एम एक्स माइनस ए बाई एम। देखो सही लिखा है मैंने। यहीं पे अगर आप देखोगे तो आप सीधा t को क्या लिख दोगे इस बार? m। जैसे आप m लिखोगे तो क्या आ जाएगा? y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। और यहाँ पे आप देखोगे तो t को क्या लिख दोगे? माइनस एम। तो इस बार रिजल्ट क्या आ जाएगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए एम स्क्वायर। ये आपको, ये रिजल्ट आपको याद नहीं रखने है ना। आपको जो इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में रखनी वो सिर्फ इतनी है, और इसके बाद ये कन्वर्जन दिमाग में सोच लें, और ये वाले रिजल्ट आपके दिमाग में ही एक्स और वाई इंटरचेंज करके बाकी आपके दिमाग में चले। अच्छा, सेम अगर हम नॉर्मल के केस में देखें, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए। तो अगर मैं नॉर्मल की बात करूं, नॉर्मल एट पी, तो जो रिजल्ट आता है नॉर्मल एट पी का, तो वो आपने अभी लिखा था ना पैरामेट्रिक पॉइंट पे, वो क्या लिखा था आपने कि टी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यू। अच्छा, यहाँ पे वही x को माइनस से रिप्लेस कर देंगे तो माइनस टी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यू। अच्छा, ये वाला रिजल्ट लिखने के लिए आप क्या करेंगे? x और y इंटरचेंज कर देंगे तो टी वाई प्लस एक्स इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यू। यहाँ पे आप y को माइनस से रिप्लेस कर देंगे तो टी वाई प्लस एक्स इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यू। अच्छा, यहाँ से यहाँ जाने में अगर आपको इक्वेशन ऑफ एम स्लोप नॉर्मल लिखना है तो सेम लॉजिक, यहाँ पर आप टी को किससे रिप्लेस, सॉरी एम को किससे रिप्लेस करेंगे? टी को माइनस एम से रिप्लेस कर देंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा ना वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यू। अच्छा, यहाँ पर आप सीधा टी को एम से ही रिप्लेस करेंगे, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस टू ए एम
प्लस ए एम क्यूब आएगा, दिख रहा है कि नहीं बताओ। अच्छा यहां पर अगर आप देखेंगे तो t की जगह आप क्या लिखने वाले हैं, माइनस वन बाई एम, है कि नहीं। तो जो रिजल्ट आप ऑब्जर्व करेंगे वो रिजल्ट आपका, जैसे माइनस वन बाई एम रखेंगे तो रिजल्ट आएगा y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, माइनस टू ए और माइनस ए बाई एम स्क्वायर। और जैसे आप यहां देखेंगे तो t को 1 बाई एम से रिप्लेस करेंगे तो आएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस टू ए और प्लस ए बाई एम स्क्वायर। ये नॉर्मल के रिजल्ट, यहाँ भी सेम लॉजिक है, आपको ये रिजल्ट अपने दिमाग में रखना है और ये कन्वर्जन अपने दिमाग में सेट कर लेने तो बाकी आपके दिमाग में चले, समझ गए। इससे ज्यादा की जरूरत आपको डायरेक्टली पड़ेगी नहीं और आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद वैसे तो ये सब चीजें पूछी नहीं गई हैं बट मैं फिर भी बता दे रहा हूं, अगर चलो ये डायरेक्ट लास्ट में एकदम बताएंगे जब हमको उसी जरूरत कर निकालनी पड़ेगी तब की बात करेंगे। अच्छा इसके बाद पैराबोला में अब जो लास्ट चीज बचती है वो टेंजेंट नॉर्मल के बाद अब जो मेन चीज बचती है वो ज्योमेट्रिकल रिजल्ट की बात कर लेते हैं, मतलब ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कई बार अभी तक जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं या आ जाने के चांसेस है, मैं सिर्फ उतने रिजल्ट डिस्कस करूंगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये पॉइंट फोकस होता है, तो जो फोकस से वर्टेक्स की डिस्टेंस होती है और जो वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस होती है वो सेम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मतलब ये जो वी डी होता है और ये जो वी एफ होता है ये दोनों सेम होते हैं, सही है, मतलब ये डिस्टेंस भी ए होती है और ये डिस्टेंस भी ए होती है, जहां पे ए का मतलब होता है लैटस रेक्टम की लेंथ का फोर्थ पार्ट, वन फोर्थ ऑफ लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, ठीक है। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप कोई भी फोकल कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, जैसे ये ए एफ बी एक फोकल कॉर्ड है तो इसके दो सेगमेंट है, तो ये होता है कि जो हार्मोनिक मीन होता है इसका एफ ए एंड एफ बी का वो होता है हाफ ऑफ लैटस रेक्टम, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेयर ए एफ बी जो है वो क्या है फोकल कॉर्ड है, तो एफ ए और एफ बी का जो हार्मोनिक मीन होता है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, किसी भी पॉइंट से फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस सेम होती है, किसी भी पॉइंट से फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस क्या होती है सेम होती है, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर आप किसी पॉइंट ए पर टेंजेंट खींचे, सेम पॉइंट ए पर आप टेंजेंट खींचे और उसी ए पॉइंट पे आप नॉर्मल खींचे, तो टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं ये नॉर्मल हो गया, मतलब इस रिजल्ट पे बेस अभी तक तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया बट हाँ चांस है कि पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, और ये टेंजेंट हो गया, तो ये दोनों जहां एक्सिस को कट करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, फोकस जो है ना उसका मिड पॉइंट होता है, मतलब एफ इज मिड पॉइंट ऑफ टी एंड एन, यहाँ पे टी क्या होता है वेयर टेंजेंट कट्स द एक्सिस, वो भी टेंजेंट एट ए, ठीक है, और एन क्या होता है वेयर नॉर्मल एट ए, कट्स द एक्सिस, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो यूज हो जाता है। अच्छा इसके बाद अगला जो रिजल्ट है जो जनरली मतलब यूज हुआ है वो ये है कि किसी भी टेंजेंट से अगर आप फोकस का इमेज लें वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है, समझ गए, मतलब मिरर इमेज ऑफ फोकस,
वैसे तो ये रिजल्ट अभी तक यूज नहीं हुआ है, बट हाँ इम्पोर्टेंट है। मिरर इमेज ऑफ फोकस फ्रॉम एनी टेंजेंट ऑफ पैराबोला लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, मतलब ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। अभी तक पूछा नहीं गया इससे रिलेटेड कुछ, बट हाँ इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और लास्ट जो सेगमेंट होता है फोकस का डायरेक्ट्रिक्स और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच में, वो फोकस पे हमेशा 90 एंगल बनता है। तो फोकस पे हमेशा कितना एंगल बनाता है? द सेगमेंट विच इज लाई बिटवीन, मतलब सेगमेंट ऑफ एनी टेंजेंट ऑफ पैराबोला लाई बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू डायरेक्ट्रिक्स। अटेन 90 एंगल एट फोकस, ये है। अच्छा, चूंकि वो फोकस पे 90 एंगल अटेन करता है ना, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये भी मतलब इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई फोकल कॉर्ड है आपके पास ए एफ बी, सही है, तो उस फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे खींची गई जो टेंजेंट होती है वो हमेशा इंटरसेक्ट करती है कहाँ पे? डायरेक्ट्रिक्स पे। मतलब टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड ऑलवेज इंटरसेक्ट एट डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, एक बात। और उनके बीच का एंगल हमेशा 90 होता है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट, ये एक फोकल कॉर्ड है और उसके एंड पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट। और वो दोनों इंटरसेक्ट करती हैं कहाँ पे? डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट डायग्राम है। टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड अटेन, टेंजेंट एट एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड अटेन 90 एंगल एट अटेन टेंजेंट एट द फोकल कॉर्ड अटेन 90 एंगल एंड दे इंटरसेक्ट एट डायरेक्ट्रिक्स एंड इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। अब इसको कई तरीके से, जैसे फोकस पे, जैसे आप डायरेक्ट्रिक्स पे कोई पॉइंट लो उससे दो टेंजेंट खींचो, तो उनको ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होती है वो हमेशा कहाँ, वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करती है। और वो फिक्स पॉइंट क्या होता है फोकस, मतलब अब ये इस रिजल्ट को समझने के कई तरीके हैं, तो उनसे रिलेटेड वैसे तो क्वेश्चन नहीं बना, बट हाँ बन सकता है तो आपको पता होना चाहिए। अब ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर कोनिक एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो जो होता है वो होता है टी इक्वल टू जीरो, और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हूज मिड पॉइंट इज एक्स वन कॉमा वाई वन फॉर कोनिक एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो इज t इक्वल टू एस वन। ये दो अलग रिजल्ट हैं, वैसे तो अभी तक इनका यूज ज्यादा हुआ नहीं है, बट हाँ होगा तो आपको पता होना चाहिए। t और s का एक्सप्रेशन आप किसी भी पॉइंट पे लिख सकते हैं, फ्रॉम x1 कॉमा y1, और t इक्वल टू एस वन का भी एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं, तो वो आप लिखते हैं t
ठीक है, तो पैराबोला में इतनी ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो पैराबोला से रिलेटेड आपके पास हैं, और जो आप पैराबोला को सिंप्लीफाई करते वक्त पैराबोला में यूज करेंगे वो लगभग इतने इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आप यूज करेंगे पैराबोला के केस में। इससे ज्यादा चीजें मतलब पैराबोला में यूज नहीं होती, यही वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो पैराबोला में जेई मेन से रिलेटेड चीजें आती है। ठीक है, अब अच्छा इलिप्स और हाइपरबोला में बहुत चीजें नहीं है। अगर मैं इलिप्स की बात करूं तो इलिप्स में सबसे पहले तो दो हॉरिजेंटल और वर्टिकल वाले केस आते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, जहां पर आप कहते हो कि ए बी से ग्रेटर है, दैट इज हॉरिजेंटल हाइपरबोला, और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, जहां पर ए बी से लेस है, दैट इज वर्टिकल हाइपरबोला। दो तो ये रिजल्ट हैं जो आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल के केस में आते हैं। अब हॉरिजेंटल के रिजल्ट आपको पता है तो वर्टिकल के रिजल्ट आप साइमल्टेनियसली लिख सकते हैं, इससे ज्यादा की जरूरत पड़ता नहीं है, इससे ज्यादा की जरूरत पड़ती नहीं है। ये हॉरिजेंटल हो गया ओरिजिन एक्स एंड वाई, और ये वर्टिकल हो गया, और ये आप ए और बी के हिसाब से जज करते हैं। ए और बी ये सब क्या है अभी हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं, एक्स एंड वाई। तो अगर ए बी से ग्रेटर है तो हॉरिजेंटल हो गया, और ये अच्छा अब इसमें आओ जल्दी जल्दी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी इसेंट्रिसिटी की, तो इसेंट्रिसिटी होती है रूट अंडर वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब इन दोनों में जो छोटा हो उसका स्क्वायर ऊपर और बड़ा वाला नीचे, समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा इसेंट्रिसिटी से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जहां से ये इसेंट्रिसिटी का रिजल्ट आया है ना, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट ये है, जो बी स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, उससे ये इसेंट्रिसिटी का रिजल्ट आया। ठीक है, अच्छा इसका जो फोकस होता है वो होता है प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, और इसकी जो डायरेक्टिक्स होती है वो होती है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई। अच्छा इसमें क्या होता है, करस्पॉन्ड फोकस और उसके करस्पॉन्ड डायरेक्टिक्स होती है, मतलब अगर आप ए कॉमा जीरो लेंगे तो यहां से आएगा एक्स इक्वल टू ए बाई, अगर आप माइनस ए कॉमा जीरो लेंगे तो आएगा माइनस ए एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई। दो फोकस और दो डायरेक्टिक्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें वर्टेक्स होता है जो होता है प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, इसको आप कह सकते हैं, इसी को आप सेम कह देते हैं एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस। अच्छा इसमें दो एक्सिस होती हैं, एक एक्सिस क्या होती है जो कि डायरेक्टिक्स के परपेंडिकुलर होती है, इसे हम कहते हैं मेजर एक्सिस, और एक एक्सिस क्या होती है जो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होती है, जिसे हम कहते हैं माइनर एक्सिस। अभी ये डायग्राम हम एक बार और अलग से बना देंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छा इसके बाद बाकी चीजें अगर हम कहें लेंथ ऑफ मेजर, वो अब दिख रहा है 2a, और उसकी जो इक्वेशन हो गई और अगर मैं कहूँ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, मतलब ये वो चीजें हैं जो आपके सामने आ जाती हैं और आपको पता होना चाहिए, वो टू भी हो गया सेंट्रिसिटी डायरेक्ट्रिक्स लेंथ ऑफ मेजर लेंथ ऑफ माइनर। ओके, और तो हाँ बाकी अगर आपसे कोई वर्ड वो पूछ ले सेंटर, इसमें से एक वर्ड और आता है सेंटर, सेंटर जो है इसका वो जीरो कॉमा जीरो होता है। ठीक है, और सेंटर के अलावा इसमें बाकी इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस वो वाई इक्वल टू जीरो होती है, और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस अगर मैं पूछूं, वैसे तो इसका यूज जनरली हुआ नहीं है अभी तक, तो वो एक्स इक्वल टू जीरो हो जाता है, बस इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं। ठीक, अच्छा यही सारे रिजल्ट अगर मैं लिखूं किसके लिए, वर्टिकल के लिए लिखना चाहूँ तो वर्टिकल में क्या होता है, वेयर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर हो जाता है पहला। अच्छा इसेंट्रिसिटी का जो रिजल्ट आता है मैंने कहा ना, जो चीज छोटी है उसको ऊपर और जो चीज बड़ी है उसको नीचे। अच्छा अगर मैं फोकस की बात करूं, इसमें जो फोकस होता है वो जाता है जीरो कॉमा प्लस माइनस बी ई, क्योंकि ए की जगह बी आ जाता है। अच्छा अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं इसमें, तो हो जाता है वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई। अच्छा अगर मैं वर्टेक्स की बात करूं इसमें, वर्टेक्स इसमें हो जाता है जीरो कॉमा प्लस माइनस बी, या इसी को हम कह सकते हैं कि एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस।
ऑब्वियसली इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो ये वाली लाइन हो जाती है, ये फोकस होता है, ये वाली एक्सिस इस केस में क्या होगी मेजर? और ये वाली एक्सिस केस में क्या हो गई माइनर? बस ये फर्क। अच्छा यहीं पे अगर मैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की बात करूं वो हो जाता है आपका 2b, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की बात करूं तो 2a, सेंटर इस केस में भी सेम होता है 0 0। अच्छा इक्वेशन की बात करूं तो मेजर की इक्वेशन x इक्वल टू 0 हो जाती है और माइनर की इक्वेशन y इक्वल। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इलिप्स के केस में, जो आप इक्वेशन देख कर जज कर लेते हैं, जो इक्वेशन है उसके हिसाब से क्या रिजल्ट आपको स्टैंडर्ड लगाने हैं वो ये रहे, और उन स्टैंडर्ड रिजल्ट को आप आराम से यूज कर लेते हैं और उसके हिसाब से आप चीजें अपनी सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं भाई? अच्छा इसके बाद इसमें अगला जो आता है वो ये आता है कि आपने ये तो समझ गया कब कितना क्या मेजर एक्सिस क्या माइनर एक्सिस और क्या चीज होती है। इसके बाद अगला आता है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि एक्सिस ऑफ इलिप्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, या इसी जगह लिखाओ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड इट्स सेंटर अल्फा बीटा, तो आप तुरंत इक्वेशन लिखोगे x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल। अब अगर a b से ग्रेटर होगा तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और b a से ग्रेटर होगा तो वर्टिकल होगा। समझ रहे हो? मतलब हमें अगर ये पता हो कि एक्सिस जो है वो पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस के और हमें पता हो सेंटर अल्फा बीटा, तो हम तुरंत ये इक्वेशन अज्यूम करके बाकी a और b अल्फा बीटा ये सारी चीजें इजीली कैलकुलेट कर लेंगे और सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ तो क्लियर हुआ। अच्छा हाँ इसमें एक चीज सही में छूट गई, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर। सही है। एक यही इंफॉर्मेशन इसमें छूट गई है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो इसमें लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होती है 2b स्क्वायर बाई a और इसमें वही लेंथ हो जाती है 2a स्क्वायर बाई b। अगर b a से ग्रेटर है, सॉरी a b से ग्रेटर है तो a को डिनोमिनेटर में रख दो, अगर b a से ग्रेटर है तो b को डिनोमिनेटर। सही है। अच्छा अब लास्ट एक चीज बच जाती है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपने लिखी है उसको ज्योमेट्री वाइज आप समझ लो। एक चीज मैंने और नहीं बताई है वो मैं यहाँ बता देता हूँ, वो मैंने इसलिए नहीं वहां बताई है क्योंकि उसका यूज जनरली अभी तक हुआ नहीं, तो इसलिए उस चीज को मैं अवॉइड कर लिया, तो उस चीज को मैं यहाँ पे अभी बता देता हूँ। जैसे ये आपने बनाया, ठीक है ना, तो ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स दोनों, ठीक है, ये हो गया फोकस F1 and F2, ये हो गया सेंटर, ये हो गई फोकल कॉर्ड, है ना, ये हो गई किसी पॉइंट P के लिए फोकल कॉर्ड, और ये सेंटर हो गया, फोकल कॉर्ड हो गई। अच्छा ये लाइन हो गई लैटिस रेक्टम, वही सेम लैटिस रेक्टम की डेफिनेशन तो सेम ही होगी, लाइन पैरेलल टू होगी लैटिस रेक्टम, ठीक है, क्या होगी लैटिस रेक्टम, ये लैटिस रेक्टम के एंड हो गए एल एल डैश एल डबल डैश एंड एल ट्रिपल डैश, ठीक है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई इस फोकस के लिए, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई इस फोकस के लिए, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये सेंटर हो गया, अच्छा ये वर्टेक्स हो गया ए एन ए डैश, ये माइनर एक्सिस के एंड हो गए बी एन बी डैश, ठीक है, सही है। अब अगर आप सारे रिजल्ट मैं आपको, अच्छा इसमें इम्पोर्टेंट रिजल्ट ये है कि जो पी एफ वन प्लस पी एफ टू होता है
इसी पॉइंट की फोकस से जो डिस्टेंस होती है वो होती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि यूज होता है। पीएफ1 प्लस पीएफ2 इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है। पीएफ1 प्लस पीएफ2 लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यानी कि सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट इन हाइपर इन इलिप्स इज इक्वल टू मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। समझ रहे हैं कि नहीं भाई? ये है वो लेंथ किसके बराबर होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। हाँ ठीक है। अच्छा अगर मैं इन सारे रिजल्ट उसमें मतलब ये कभी भी चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये रिजल्ट ऑलवेज वैलिड है जिसको आप यूज करके लिख सकते हैं उस सिचुएशन। सही है। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको सारे रिजल्ट इसी डायग्राम में लिख के दिखाना चाहता हूँ। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, जहाँ पर ए बी से ग्रेटर है तो उसकी सेंट्रिसिटी तो वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगी। सेंटर इसका हो जाएगा जीरो जीरो, ये फोकस होगा ए ही कॉमा जीरो, ये फोकस होगा माइनस ए ही कॉमा जीरो, ये हो जाएगा जीरो कॉमा बी, ये हो जाएगा जीरो कॉमा माइनस बी, ये हो जाएगा ए कॉमा जीरो, ये हो जाएगा माइनस ए कॉमा जीरो। ये वाली लेंथ होगी टू ए दैट इज मेजर, ये वाली लेंथ होगी टू बी दैट इज माइनर। अच्छा ये डायरेक्ट्रिक्स होगी एक्स इक्वल टू ए बाई ई, ये वाली डायरेक्ट्रिक्स होगी माइनस ए बाई ई। सही है। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम अगर आप देखोगे तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम जो एल एल डैश आएगा या एल डबल डैश एल ट्रिपल डैश आएगा वो आएगा टू बी स्क्वायर बाई ए। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा वो आएगा ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, ये वाला पॉइंट आएगा ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ये एंड पॉइंट आएगा माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और ये वाला आएगा माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। ये वाली इक्वेशन आएगी एक्स एक्सिस है तो वाई इक्वल टू जीरो, ये माइनर एक्सिस की इक्वेशन आएगी एक्स इक्वल टू जीरो, ये क्या होगा मेजर, ये क्या होगा। और इसी पे वर्टिकल में सारे ए की जगह आप क्या लिखते जाएंगे बी, तो वर्टिकल के रिजल्ट आ गए। हॉरिजॉन्टल के रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल के रिजल्ट तो उसके हिसाब से आप बना लेंगे वो दिक्कत आपको नहीं। ये थोड़े से रिजल्ट है जो आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगला जो इंफॉर्मेशन है वो ये पैरामीट्रिक पॉइंट जिसका यूज हो जाता है। पैरामीट्रिक पॉइंट की अगर आप बात करने वाले हैं तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन है, उस पर आप पैरामीट्रिक पॉइंट लेते हैं ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो से टू पाई आप कुछ भी ले सकते हैं, ये आप पैरामीट्रिक पॉइंट इस पर अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद टेंजेंट और नॉर्मल तो सेम रिजल्ट होगा, वो किसी भी कोनिक के लिए है। अगर मैं आपसे लिखूँ टेंजेंट एट थीटा हो जाता है एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू वन, और अगर मैं इसी में आपसे लिखूं नॉर्मल एट थीटा तो वो हो जाता है ए एक्स सेक थीटा अगर मैं यहीं पे नॉर्मल एट थीटा लिखूं टेंजेंट एट थीटा तो आपने लिख लिया, अगर मैं नॉर्मल थीटा लिखूं तो क्या हो जाता है ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा, समझ रहे हो, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको ध्यान देना आना चाहिए। सही है। अच्छा यहीं पे अगर मैं टेंजेंट एंड
एट एक्स वन वाई वन बोलू तो आप वही से ही लिखते हैं, मतलब एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। यहीं पे अगर मैं नॉर्मल बोलूं एट एक्स वन कॉमा वाई वन तो आप लिखते हैं एक्स अपॉन एक्स वन बाई ए स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी मतलब यूज हो जाता है। अच्छा इसमें इम्पोर्टेंट अगला, अगर इलिप्स आपका है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, तो इक्वेशन ऑफ एम स्लोप टेंजेंट इसका यूज हो जाता है, वो हो जाता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो जनरली यूज हो जाता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का यूज होता है, नॉर्मल का तो यूज नहीं होता है, वो टेंजेंट से ही रिलेटेड है। आप पैरामेट्रिक पॉइंट में इतने ही रिजल्ट हैं जो इसमें यूज होते हैं जनरली, है ना। बाकी कॉर्ड के लिए वो सारी इंफॉर्मेशन तो मिड पॉइंट कॉर्ड और वो तो कॉनिक के लिए जो है वो तो सेम ही, उसमें आपको इधर उधर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद इसमें अगला जो रिजल्ट आता है वो आता है हाइपरबोला। हाइपरबोला में बहुत सारी चीज़ें नहीं आती। हाइपरबोला की एक तो इक्वेशन से रिलेटेड आता है, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर सॉरी माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। अच्छा ये अगर हाइपरबोला है तो इसका एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला आता है। वैसे तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला से भी रिलेटेड जे मेन में ज़्यादा चीज़ें पूछी नहीं गई हैं अभी तक, वो हो जाता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। मतलब अगर मैं ज्योमेट्री वाइज करूं तो ये हो गया हाइपरबोला, ये एसिम्प्टोट्स होती हैं उसकी, टेंजेंट एट इनफाइनाइट, वो भी बहुत ज्यादा जिक्र में आता नहीं, और ये हो गया उसका कंजुगेट हाइपरबोला। हाइपरबोला ये होता है तो उसका कंजुगेट हाइपरबोला ये बन जाता, तो एक हाइपरबोला हर हाइपरबोला के करस्पॉन्ड उसका कंजुगेट हाइपरबोला होता है। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, वेयर जो बी स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, ई इसमें वन से ग्रेटर होता है ना। अच्छा यहाँ पर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, भाई ए और बी इंटरचेंज। तो यहाँ पर अगर आप इसेंट्रिसिटी देखोगे तो आ जाती है रूट अंडर वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ पर अगर आप इसेंट्रिसिटी देखोगे तो आ जाती है रूट अंडर वन प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। मतलब ऐसा नहीं ए बी से ग्रेटर, बस वो फॉर्मूले की वजह से। यहाँ पे अगर आप फोकस देखोगे तो आता है प्लस माइनस ए ही कॉमा जीरो, यहाँ पे अगर आप फोकस देखोगे तो जीरो कॉमा प्लस माइनस बी, यहाँ पे अगर आप डायरेक्टिक्स देखोगे तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई आता है, यहाँ पे अगर आप डायरेक्टिक्स देखोगे तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई आता है कॉन्जुगेटिव केस। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रांसवर्स एक्सिस, यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्रांसवर्स एक्सिस तो अगर उसकी इक्वेशन देखोगे तो y इक्वल टू जीरो आ जाती है और उसकी लेंथ देखोगे तो टू आती है, और अगर एंड पॉइंट देखोगे तो वो प्लस माइनस a कॉमा जीरो आ जाती है। अच्छा कॉन्जुगेट एक्सिस की अगर हम बात करें, ये मतलब स्टैंडर्ड पे सारे रिजल्ट हैं, तो अगर उसकी इक्वेशन देखोगे तो x इक्वल टू जीरो आ जाती है, लेंथ उसकी हाइपोथेटिकल होती है भी, और उसके एंड पॉइंट भी हाइपोथेटिकली आप निकालते हैं, दैट इज जीरो कॉमा प्लस माइनस बी। तो यहीं पे अगर आप लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम देखो तो सेम हो जाती है, दैट इज टू ई स्क्वायर बाई ए ऐसा। तो यही काम अगर आप यहां करो तो वही ए की जगह बी आ जाएगा। तो अगर आप ट्रांसवर्स एक्सिस देखो और उसकी इक्वेशन डिस्कस करो तो एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगी, अगर उसकी लेंथ देखो तो वो टू भी हो जाएगी, अगर उसका एंड पॉइंट देखोगे उस केस में तो वो जीरो कॉमा प्लस माइनस बी होगा। अगर यहीं पे आप कॉन्जुगेट एक्सिस डिस्कस करोगे तो उसकी इक्वेशन देखोगे तो वो कितनी हो जाएगी, वाई इक्वल टू जीरो, लेंथ हो जाएगी टू ए, और उसका जो एंड पॉइंट होगा वो हो जाएगा प्लस माइनस ए कॉमा।
ये फर्क है। और अगर यहाँ पे, यहाँ पे लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम देखोगे वही सेम टू ए स्क्वायर में भी है, सेम लॉजिक। उस केस में ही जो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होगी वो ये हो जाएगी ना। अच्छा यहाँ पे ऐसा नहीं ए बी से ग्रेटर, बी ए से ग्रेटर, ऐसा कुछ नहीं होता बाकी। अच्छा यहाँ पर वही सेम सेंटर वाली बात तो वही सेम हो गई, सेंटर का कोऑर्डिनेट यहाँ भी जीरो जीरो लेते हैं और यहाँ भी क्या लेते हैं, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं होता। हाँ है ना। अब इसमें भी सेम अगर लॉजिक हो कि क्या जो एक्सिस ऑफ हाइपरबोला अगर वो पैरेलल हो कोऑर्डिनेट, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस विद सेंटर जो हो उसका वो अल्फा बीटा, तो आप उसकी इक्वेशन को भी सेम एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन एज्यूम कर सकते हैं। तो वहां पे वैल्यू के हिसाब से वो प्लस माइनस साइन जो भी आना होगा वो आ जाएगा, वो आपकी एडक नहीं। अच्छा पॉइंट आपने चेक कर ही लिया है। इसके बाद सेम लॉजिक से अगर मैं पैरामेट्रिक पॉइंट बोलूं इसमें ना, तो इसका जो पैरामेट्रिक पॉइंट होता है अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन के लिए लिखो तो पी पॉइंट होता है ए sec theta comma b tan theta। अगर यही काम x square by a square minus y square by b square equal to minus 1 के लिए करो हो जाता है a tan theta comma b sec theta। अब यहीं पे अगर मैं आपसे tangent पूछूं at p theta for x square by a square minus y square by b square equal to 1, वो हो जाता है x by a sec theta माइनस वाई बाई बी टेन थीटा इक्वल टू वन, इसका यूज हो जाता है। ठीक है, यहीं पे अगर मैं नॉर्मल पूछूं एट पी थीटा फॉर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, हो जाता है ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन एकदम दिमाग में सेट होनी चाहिए पैरामेट्रिक पॉइंट के लिए, टेंजेंट एंड नॉर्मल की इस इक्वेशन का यूज हो जाता है। ठीक है, अब यहीं पे मैं आपसे पूछूं टेंजेंट विद स्लोप एम फॉर इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, वो हो जाता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी फॉर हाइपरबोला। तो ये हो जाता है, इसका भी यूज हो जाता है कई बार, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी तो हाँ इससे ज्यादा रिजल्ट अभी तक नहीं पूछा गया, बट हाँ मतलब अब एक रिजल्ट हाइपरबोला की ज्योमेट्री से रिलेटेड और है जो आपको पता होना चाहिए, इसका यूज एक्चुअल में आ जाता है। वो ये है कि अगर हाइपरबोला पे आप कोई भी पॉइंट लो पी और उसकी दोनों फोकस से डिस्टेंस लिखो, फोकल डिस्टेंस का जो डिफरेंस होता है, मतलब डिफरेंस बिटवीन फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी ऑन हाइपरबोला इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब ये जो पी एफ वन माइनस पी एफ टू होता है ये ट्रांसवर्स एक्सिस के लेंथ के बराबर होता है, और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो यूज हो जाता है। मतलब ये वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो यूज हो जाता है और जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं। ये वही बात, तो इतना ही, मतलब यही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक जेईई मेन में आपके सामने पूछे गए या आपने उनको सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया है। नहीं ऑक्सिलरी सर्कल का तो उतना यूज आता नहीं है,
ऑक्सिलरी सर्कल का उतना यूज है नहीं एक्चुअली, है ना। वैसे अगर पूछोगे तो मैं ऑक्सिलरी सर्कल आपको बता देता हूँ, बट ऑक्सिलरी सर्कल अभी तक यूज हुआ नहीं है। इलिप्स एंड हाइपरबोला में ऑक्सिलरी सर्कल बनता है, ठीक है। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक होता है विद कॉनिक, और जो उसकी रेडियस होती है वो होती है यहां पर लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, कॉन्सेंट्रिक विद कॉनिक एंड टेकिंग मेजर एक्सिस एज डायमीटर, इतना ही नफ। तो ऑब्वियसली यहां पर जो उसकी रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, टेकिंग मेजर एक्सिस या फिर टेकिंग ट्रांसवर्स एक्सिस। अब तो बाकी अंदाजा लगा लोगे, वो भी एज डायमीटर। ये इलिप्स में होता है और ये हाइपरबोला, इससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी नहीं, मतलब ये भी बहुत ही रेयर है जो जरूरत पड़ने वाली चीज है। तो ऑब्वियसली इलिप्स के केस में क्या हो गया, अगर मैं इलिप्स की इक्वेशन डिस्कस करूं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ए बी से ग्रेटर है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये ऑक्सिलरी सर्कल हो गया बाहर वाला सर्कल, ठीक है। और अगर यही मैं हाइपरबोला के केस में डिस्कस करूं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हो गया ऑक्सिलरी सर्कल, बस इतना है। इससे ज्यादा का रोल ऑक्सिलरी सर्कल के लिए, मतलब प्रॉपर्टी है बट जेई मेन में इससे ज्यादा ऑक्सिलरी सर्कल पूछा गया अभी तक है नहीं, और चांस भी कमी है कि आपसे इससे ज्यादा कोई बात करेगा ऑक्सिलरी सर्कल के बारे में। मतलब इससे ज्यादा पूछा भी नहीं गया और इससे ज्यादा बात होगी ऑक्सिलरी सर्कल के बारे में, इसके चांस भी कमी है, ठीक है। चलो तो बात आपने छेड़ी है तो मैं बता दूं, क्वाड ज्वाइनिंग थीटा वन एंड थीटा टू, ये एक इम्पॉर्टेंट है जो यूज हो सकता है, अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आपके एज में आप आ जाएंगे, है ना। क्वाड ज्वाइनिंग पैरामेट्रिक पॉइंट पी थीटा वन एंड पी थीटा टू फॉर इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, वो डायरेक्ट आप लिखते हो एक्स बाई ए कॉस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू प्लस वाई बाई बी साइन ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू, थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू, ये होता है एक्स बाई ए कॉस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू y by b sin of theta 1 plus theta 2 by 2 equal to cos of theta 1 minus theta 2 by 2। और ये रिजल्ट मतलब यूज हुआ है इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मतलब हो जाता है तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसके बाद हाइपरबोला वाला वो रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद एक चीज जो आती है वो आती है लेंथ ऑफ कॉर्ड इन कॉनिक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ कॉर्ड एंड मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट ना। ये क्या है कि जनरल तो वैसे तो कई जगह आप कई तरीकों से यूज करते हैं, बट अगर कहीं पे आपको ऐसा दिया हो कि एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो एक कोनिक है और वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो कॉर्ड है, सही, और फिर आपको इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, तो ऑब्वियसली ये कॉनिक होगा, कोई भी इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला और उसको एक कॉर्ड दो पॉइंट पे कट करेगी तो कॉर्ड होगी, ये ए होगा और ये बी होगा। इस पॉइंट को आप एक्स वन कॉमा वाई वन कह दो और ये पॉइंट आप एक्स टू कॉमा वाई टू कह दो, तो जो लेंथ
होगी बेसिकली होगी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब बार बार तो आप x1 y1 x2 y2 निकालेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने में आप दो रास्ते पे जा सकते हैं, या तो आप x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे y को mx plus c रख के तो उसके रूट आपके x1 x2 आएंगे, या फिर आप y में क्वाड्रेटिक बनाएंगे x को y minus c by m रख के तो यहाँ पे रूट आपके y1 y2 आएंगे। समझ रहे हो? अच्छा, अगर आपने x में क्वाड्रेटिक बनाई, अगर आपने क्या किया x में क्वाड्रेटिक बनाई तो यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे मॉड ऑफ x1 minus x2, इसको आप फाइंड करें तो जो लेंथ ऑफ कॉर्ड होगी यहाँ पर वो होगी मॉड ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू और साथ में रूट अंडर वन प्लस एम स्क्वायर जो कि कॉर्ड का स्लोप होगा। अच्छा, अगर आप यहाँ आएंगे तो आप मॉड ऑफ वाई वन माइनस वाई टू फाइंड करेंगे तो जो लेंथ ऑफ कॉर्ड होगी यहाँ पर वो होगी मॉड ऑफ वाई वन माइनस वाई टू रूट अंडर वन प्लस वन बाई एम स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा। समझ रहे हो? क्लियर हुआ? बोलिए। अच्छा, अब अगर आपको इसी कॉर्ड का मिड पॉइंट निकालना, बेसिकली ये पॉइंट हो गया x1 कॉमा वाई वन, ये पॉइंट हो गया x2 कॉमा वाई टू, तो मिड पॉइंट हो गया x1 प्लस x2 बाई टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू जिसे आप कह देंगे अल्फा एंड बीटा। सही है? तो जो अगर आपने क्वाड्रेटिक x में बनाई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रख के आपने x में क्वाड्रेटिक बना ली, सपोज इसके रूट x1 x2 होंगे, यहां से आप निकालेंगे x1 प्लस x2, इसके बाद आप करेंगे x1 प्लस x2 बाई टू जो कि अल्फा हो जाएगा, आया ना? और ये जो अल्फा बीटा ये कॉर्ड पे लाई करेगा कि नहीं? कॉर्ड की इक्वेशन आपके पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगी जहां पर बीटा की वैल्यू क्या होगी एम अल्फा प्लस सी। ये जो अल्फा है यहाँ पे रख के आप क्या फाइंड कर लेंगे बेटा, यही आपका हो जाएगा मिड पॉइंट किसी भी केस में कोई भी कोनिक हो। बस आप ये वाली क्वाड्रेटिक बनाएंगे वाई की वैल्यू या एक्स की वैल्यू रख के जो भी बन रही होगी। अब यहीं पे अगर वाई की जगह एक्स में क्वाड्रेटिक एक्स में बन गई तो ये करेंगे, वाई में बन गई तो वाई वन प्लस वाई टू रख के अल्फा रख के बीटा निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो लगभग सारी चीज़ें इतनी हैं, इससे ज़्यादा रिलेटेड चीज़ें अभी तक तो नहीं पूछी गई हैं, पूछी जाएंगी तब देखेंगे। अब जैसे कुछ चीज़ें फिक्स है, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स की अगर मैं बात करूं और आपने इसमें कहा कि दो पैरामीट्रिक पॉइंट मैं ले लूं टी वन एंड टी टू, एक मैं ले लूं टी वन दैट इज ए टी वन स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन और एक पैरामीट्रिक टी टू पे ले लूं दैट इज ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू, तो इन पे जो टेंजेंट खींची जाती है उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो होता है ए टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू। वैसे तो बहुत इसको पूछा नहीं गया है बट हाँ ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका कैलकुलेशन कई बार सिंप्लीफाई हो सकता है। is a t1 t2 comma a t1 plus t2, कई बार आपका कैलकुलेशन इस जानकारी की वजह से सिंप्लीफाई हो सकता है, बाकी बहुत यूज नहीं। ये हो गया कॉनिक सेक्शन का पूरा प्रॉपर। इससे ज्यादा कॉनिक सेक्शन की थ्योरी में जेई मेन में इससे ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती। ओके okay?